बच्चा अगवा किया गया गोरखपुर में और मार दिया गया फिरौती के लिए। उसकी मां है अंबालिका जी। इस समय आप मुझे सुन पा रही हैं अंबालिका जी? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आप बताएंगे पूरा वाक्या क्या हुआ था, कब बच्चा अगवा हुआ, कैसे हुआ, आपको कब पता लगा, क्या क्या हुआ इस दरमियान? हमको बच्चा तो मेरा 12 बजे से घर से निकला, वही दुकान ये छोटी सी पान की, हमको 3 बजे पता चला। जब उन लोगों ने हमको फोन पर धमकी दिया कि 1 करोड़ रुपया दे दो नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को मारकर 5 बजे तक फेंक जाएंगे, तब हम लोग ने पूरा गांव में छान मारा, कहीं पता नहीं चला। अंतर्गत तब हम लोग प्रशासन का सलाह लिया तो प्रशासन मनु मौजूद थी आ गई, तो उस समय प्रशासन अपना भाग दौड़ की। जब मेरा बच्चा ही नहीं बचा तो हम किसके पर विश्वास करें? हमारा फिर शाम बाद में पता चला 27 तारीख को 3 बजे की एक पायदड़ी के पास एक मोहनापुर गांव है उसी के पास नाले में एक बोरा में करके किडनैपर ने लोग फेंक दिए, तो एक जब लोग पुलिस वाले आए लिए लेकर गए तो जब लेकर गए तो खुलाया गया तो मेरा ही बच्चा था। हाँ तो सभी लोग आए, अब यहाँ से आज उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब यही हम लोग यही प्रार्थना है कि हम जो मांगे हमको यही चाहिए, जो मेरे बच्चे का अगवा किया है उसको फांसी या एनकाउंटर चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। आप ही लोग से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि हमको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जान का बदला जान ही हमको चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आप कह रही हैं जान का बदला जान चाहिए, लेकिन इस देश में अदालतें हैं, वहां पर जांच होती है, सुनवाई होती है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं, अदालतें फैसला करती हैं। ये फैसला हम और आप तो नहीं कर सकते ना। मैं समझ सकता हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा आपको बताया उनके बारे में कौन लोग हैं? मेरा एक ही बच्चा था। अब हम नहीं पहचान पाए हैं, लेकिन एक लड़का तो मेरे ही गांव का था और एक गांव के बगल का है, हम तो पहचानते नहीं है लोग, लेकिन पहचानने वाले गए हैं, पहचान कर आएंगे। और मान लीजिए हम घर पर हैं और बाहर का हमको कुछ बात का पता नहीं था, हमारे एक गांव में घर है और दुकान से ही हमारे लड़के का उठा ले गए हैं सब, हम कहाँ कुछ भी उसके बारे में नहीं बता पाएंगे ना हम पहचान पाएंगे, गांव का लड़का है उसी को पहचान पाएंगे। आप पुलिस में गए, पुलिस ने सुनवाई की, आपने पुलिस से शिकायत की, पुलिस आपके लड़के को तलाशने गई, ढूंढा? हाँ पुलिस सुनवाई की, तलाश में गई, लेकिन जब हमको कुछ मिला ही नहीं, सही सलामत हम जिंदा पाए नहीं, बाद में मुर्दा ही ना हमारे घर आया, धमकी जब लोग दिए तो हम लोग इतला कर दिए कि ऐसी ऐसी बात है, प्रशासन अपनी काम किया, लेकिन बच्चा तो 27 तारीख के मरना ही नहीं मिला। आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? और हम आपको सुन रही यूपी की पूरी सरकार, आप कुछ कहना चाहती हैं उनसे? सरकार से हम यही कहते हैं, हम सरकार जी सर यही कहना चाहते हैं, उन लोगों का भी एनकाउंटर किया जाए या फांसी का मांग किया जाए। मेरा एक जिगर का टुकड़ा था, मेरी 5 बच्चियां हैं, मान लीजिए आज हमारे पर क्या बीतता है अब हम ही जानेंगे, तो हम ही यही एनकाउंटर और फांसी मांगेंगे और दूसरा कुछ नहीं। विक्रम सिंह साहब सुन रहे हैं आप इस माँ की बात को? वो कह रही है रोही जी मैं चाहिए, फांसी चाहिए या एनकाउंटर चाहिए। और आपको याद होगा जिस दिन एनकाउंटर को लेके पीठ थपथपाने का फूल मालाला पहलाने का शब्दों से चल रहा था कार्यक्रम टीवी पर, हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि कानून की एजेंसी का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाकर रखना है, ना कि फैसला ऑन द स्पॉट करना। और इस घटना से दो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं विक्रम सिंह जी, जिसमें मैं पहला जवाब आपसे चाह रहा हूं। एक, क्या यूपी के अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया पूरी तरह से, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं पिछले 10-12 दिन में लगातार हुई हैं। रोहित जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुस्साहसिक घटनाएं केवल यही गोरखपुर की नहीं है, इसके पहले कानपुर में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ, जो अफरा था उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा गाजियाबाद से एक व्यक्ति अगवा हुआ, आज तक पता नहीं लगा है। इसके अलावा जो विक्रम त्यागी के
केस में जो हत्या हुई थी, ये कुछ ऐसे दृष्टांत हैं जो कि ये स्पष्ट संकेत देते हैं कि जो पुलिस का खौफ होना चाहिए अपराधियों में, वो खौफ कुछ डाइल्यूट नहीं, काफी डाइल्यूट हो गया, हल्का हो गया। अगर ये भी मान लिया जाए कि इसमें दो केसेस ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइमर्स के हैं, तो फर्स्ट टाइमर्स का इतना दुस्साहस कैसे हुआ? आपका कहना बिल्कुल सही है कि कानून के हिसाब से अगर चले सजा दिलवा करके फांसी दिलवाएं, वो विकल्प पुलिस के पास है और उस विकल्प का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर सही अपराधियों का एनकाउंटर हो, सही अपराधी गिरफ्तार हो, सही अपराधी जेल भेजे जाए, और निरंतर पुलिस का काम एक एनकाउंटर करके हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं है, ये 24/7 पुलिसिंग चलती है, कहीं भी कोई क्रियाशील अपराधी दृष्टिगोचर हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो दबाव अपराधियों पे पुलिस का होना चाहिए वो कहीं शिथिल और ढीला पड़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट टाइमर्स भी ये दुस्साहस कर रहे हैं, अपहरण ही नहीं कर रहे रोहित जी, हत्या भी कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी चीज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, बड़ी ग्लानी के साथ मैं कह रहा हूं कि नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको मैं समझता हूं, बहुत इस पे चिंतन किया, भ्रष्टाचार ही इसका कारण है कि आपराधिक अनुसंधान में समय न दे करके आप भ्रष्टाचार के रास्तों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो पुलिसकर्मी को तो 24 घंटे अपराधियों के पीछे लगना होगा, अगर भ्रष्टाचार के पीछे रहेगा, भ्रष्टाचार के आयामों को तलाशेगा, तो क्रिमिनल इंटेलिजेंस और क्रिमिनल रेट्स कब होंगी? मैं इस पे चाहूंगा कि विज्ञान पैनल इस पे विचार करें और एक दिशा दें और एक सार्थक बहस में आकर के एक कार्य योजना तैयार करें, 15 दिन तक छापे डाले जाएं, सूचियां बने और अच्छी और क्वालिटी गिरफ्तारियां हों।